एक गांव में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही शरारती और आवारा किस्म का था, जिससे उसके माँ बाप चमेली और पुत्तन सिंह भी हमेशा दुखी रहते थे। उसकी माँ चमेली उसे रोज डांटती, लेकिन राकेश अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं मानता था। अरे राकेश, मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ, आवारा गर्दी कम कर दे और पढ़ने में ध्यान लगा, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। जब देखो ये गिल्ली डंडा खेलता रहता है। क्या माँ, जब देखो टोका टाकी करती रहती हो। पास तो हो जाता हूँ ना मैं, फिर भी जब देखो टोकती रहती हो। पता है इस गिल्ली डंडे से मैं कितना पैसा जीतता हूँ। बेटा तेरे भले के लिए ही टोकती हूँ, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तरक्की कैसे करेगा। तेरे पापा को देख, कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी इज्जत है उनकी, और इसे पैसे जीतना नहीं जुआ खेलना कहते हैं। माँ तुम भी ना, पिताजी ने पढ़ लिख कर क्या कर लिया है? है तो क्लर्क ही ना, एक ढंग की गाड़ी तो दिला नहीं पाते। मेरे बाकी दोस्तों के पापा को देखो, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसे देखो उनके पास, आप गिनते गिनते थक जाओगी। ऐसा कहता हुआ राकेश अपने घर से बाहर निकल जाता है। चमेली राकेश की बात पर सोच में पड़ जाती है। इस लड़के का मैं क्या करूं? हर बात का जवाब होता है इसके पास, हर चीज को बस पैसे से तोलता है, पता नहीं कब सुधरेगा। उधर राकेश घूमता हुआ एक पार्क में पहुंचता है। उसके हाथ में गिल्ली डंडा होता है, वो अकेले ही खेलना चालू कर देता है। और उधर पार्क में एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल उसे देख रही होती है। आज माँ ने भी मूड खराब कर दिया, चलो जब तक कोई नहीं आता अकेले ही खेल लेता हूँ। राकेश जोर जोर से गिल्ली को मार रहा होता है। चुड़ैल ये देखकर खुश हो रही होती है। अरे वाह, ये क्या खेल रहा है लड़का, बहुत ही मजा आ रहा है, क्यों ना मैं भी जाकर खेलूं, लेकिन लड़के ने मुझे ऐसे देख लिया तो भाग जाएगा। ऐसा करती हूँ, अपना रूप बदल लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना रूप बदल कर राकेश के पास चली जाती है और राकेश से बोलती है, मेरा नाम शबनम है, क्या मैं आपके साथ ये खेल खेल सकती हूँ? तुम्हें पता है ये क्या गेम है? इसे गिल्ली डंडा कहते हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियों के बस की नहीं है। तुम जाकर घर में गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलो। पड़ी आई गिल्ली डंडा खेलने। क्या ही कर रहे हो, लगता है डरते हो मेरे साथ खेलने में, कहीं लड़की से हार ना जाऊं मैं। शबनम की बात सुनकर राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो खेलने के लिए हाँ कह देता है। अच्छा तो चलो देख लेते हैं किसमें कितना दम है। फिर राकेश और चुड़ैल दोनों गिल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं। चुड़ैल अपने जादू से राकेश को जल्दी ही आउट कर देती है। राकेश तुम तो बहुत कमजोर खिलाड़ी हो, इतनी जल्दी आउट हो गए, चलो अब मेरे मारने की बारी है। थोड़ी ही देर में उसकी हालत पतली हो गई। उसके बाद चुड़ैल गिल्ली को मारना चालू करती है। चुड़ैल इतनी जोर जोर से गिल्ली को मारती कि राकेश उसे वापस फेंक ही नहीं पाता। थोड़ी ही देर में उसकी हालत पतली हो गई। अरे यार क्या लड़की है और क्या खेलती है, इसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। सही कहा है किसी ने, लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। उधर चुड़ैल सोचती है कि अगर इसे आज ही ज्यादा थका दिया तो ये कल वापस नहीं आएगा, इसलिए वो भी जानबूझकर राकेश से आउट हो जाती है। यार एक ही बात तो है, है तो ये लड़की, इस बार इस गेम में इसे तो हरा ही दूंगा, क्यों ना पैसे वाली गेम खेल लूं इसके साथ। अगर खेली तो इसे कंगाल बना ही दूंगा। ऐसा सोचकर राकेश शबनम रूपी चुड़ैल को पैसे वाली गेम खेलने को कहता है। चुड़ैल भी तुरंत हाँ कर देती है। उसके बाद दोनों फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल फिर से अपने जादू से राकेश को जल्दी से आउट कर देती है और अपनी बारी ले लेती है। ये बेवकूफ ज्यादा ही समझदार बन रहा था। मुझसे पैसे कमाना चला था, लेकिन इसे पता नहीं मैं भी इसकी माँ हूँ। फिर चुड़ैल राकेश को हरा कर उसके सारे पैसे जीत लेती है और राकेश पर कर्जा भी चढ़ा देती है। राकेश को जब तक समझ आता है वो काफी पैसे हार चुका होता है। देखो शबनम, मैं तो सारे पैसे हार चुका हूँ और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है, मुझे जाने दो। राकेश की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हंसते हुए कहती है, बहुत खिलाड़ी बन रहा था लड़के तू। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब नहीं जाने दे सकती तुझे। चुड़ैल उसे पीछे से पकड़ लेती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मेरी मम्मी मारेगी।
बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया है। चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे अपने कंगले बाप की कसम, मैं कभी गिल्ली डंडा नहीं खेलूंगा। अरे गिल्ली डंडा क्या, मैं कोई भी गेम नहीं खेलूंगा, बस मुझे जाने दो। क्या नाप शनाप बोले जा रहा है लड़के, पहले मेरी बात सुन ले। कल से अगर तू रोज आने और मेरे साथ खेलने का वादा करेगा तो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, नहीं तो तू तो गयो राकेश। अरे चुड़ैल जी, मैं आऊंगा, रोज आऊंगा, लेकिन अभी तो जाने दो, नहीं तो मैं अपने कपड़ों में ही चुचू कर दूंगा, जाने दो प्लीज। राकेश की बात सुनकर चुड़ैल राकेश को घर जाने देती है, लेकिन राकेश दिन की घटना से बहुत घबरा जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन उठता है और अपने किए वादे के अनुसार चुड़ैल के साथ खेलने लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राकेश की परीक्षा के दिन आ जाते हैं। राकेश चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी देखो, मैं कई दिनों से आपके साथ खेलने आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरी परीक्षाएं चालू है, मैं उन दिनों में नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाएगा? कैसे नहीं आ पाएगा? अगर तू नहीं आया तो मैं तेरे साथ तेरे कंगले बाप और चिल्लाने वाली माँ को भी मार डालूंगी, आना तो तुझे पड़ेगा ही। चुड़ैल की बात सुनकर राकेश डर जाता है और घर जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। उधर उसकी आदतों में बदलाव होते हुए देखकर उसके पिता पुत्तन चमेली से बोलते हैं, अजी सुनती हो, ये क्या हो गया है राकेश को? ना ढंग से बात करता है, ना खाता पीता है, कमजोर भी हो गया है, किसी परेशानी में तो नहीं है ना? तुम्हारी औलाद है, निकम्मा पैदा किए हो, हम तो बोलकर और पूछकर थक गए, लेकिन कुछ बताता ही नहीं, देखो तुम ही शायद कुछ बता दे। ऐसा कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्या औरत है, लगता है नाश्ते में मिर्ची खाती है, हमेशा कड़वा ही निकलता है, मैं ही जाकर राकेश से बात करता हूँ। फिर पुत्तन राकेश के कमरे में जाता है और राकेश से उसके परेशान रहने की वजह पूछता है। पहले तो राकेश डर के मारे पुत्तन को कुछ नहीं बताता, लेकिन पुत्तन के जोर देने पर वो सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर पुत्तन बोलता है, तो ये बात है बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज्यादा आवारागर्दी मत करो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, लेकिन तुम नहीं माने, अब देखो मुसीबत में पड़ गए ना। पिताजी आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं रोज उस चुड़ैल के पास जाऊंगा। तुम चिंता ना करो, उस चुड़ैल का इलाज है मेरे पास, तूने अपने बाप को अभी जाना कहाँ है, बस कल मुझे ले चलना उसके साथ खेलने के लिए, और उसे मेरे बारे में मत बताना। फिर पुत्तन और राकेश अगले दिन गिल्ली डंडा लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। राकेश चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, तो मेरे बदले ये आपके साथ खेलेंगे। ये चूसा हुआ आम खेलना भी आता है कुछ? अरे चुड़ैल जी आप खेल के तो देखो, फिर पता चलेगा मुझे क्या क्या आता है। पुत्तन की बात सुनकर चुड़ैल चुप हो जाती है। फिर पुत्तन और चुड़ैल खेलना शुरू कर देते हैं। पुत्तन बहुत ही पक्के खिलाड़ी की तरह खेलता है, ये देख चुड़ैल पुत्तन के पास आती है। अरे तू तो बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, और इस राकेश से भी बढ़िया खेलता है। ये बात सुनकर पुत्तन हंसने लगता है और चुड़ैल के पास आकर उसके बाल काट कर बोलता है, क्योंकि चुड़ैल जी मैं उसका बाप हूँ, इस गिल्ली डंडे के खेल में भी और जिंदगी में भी। और अब तुम हमारी गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारे बाल मेरे पास आ चुके हैं, बहुत सताया मेरे बच्चे को, क्यों? मुझे माफ कर दो, मेरे बाल वापस कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारा राकेश को परेशान नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। चुड़ैल को ऐसे रोते देख पुत्तन को दया आ जाती है और वो चुड़ैल को उसके बाल वापस दे देता है। चुड़ैल बाल मिलते ही वहाँ से भाग जाती है और राकेश और पुत्तन वापस अपने घर आ जाते हैं।